हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ जिला कासगंज के एक छोटे से गांव हथौड़ा वन, जहाँ पर आपको एक प्राचीन और बहुत ही पुराना मंदिर आपको हम दिखाएंगे। तो ये बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये 200 साल पुराना है, जो अंग्रेजों के ज़माने का मंदिर है। और जो बाबा जी हैं इस मंदिर में, पुजारी जी, वो पुजारी बाबा का जन्म भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है। तो उनसे सारी जानकारी लेंगे और उनसे हम आपको मिलवाएंगे अपने मंदिर में। चलिए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं अपने मंदिर में। तो आप देख सकते हैं हम इस मंदिर में चल रहे हैं और ये रास्ता रहा। और इधर साइड आप इस मंदिर को मतलब अभी थोड़े थोड़े जरिए से देख रहे हैं और अभी हम आपको सब दिखाएंगे। बाबा जी से मिलेंगे, जो बाबा जी पूरी जानकारी देंगे। कुछ नजरिया ये है, देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मंदिर में आ चुके हैं और ये मंदिर पे आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग भी बैठे हुए हैं और एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं। तो अभी पुजारी जी आए नहीं हैं, वो आ रहे हैं तो हम उनसे ही मिलाएंगे आपको। और बाबा जी भी आ चुके हैं, मंदिर पे आ चुके हैं, इधर देखो दिखाओ। और बाबा जी आ चुके हैं तो हम बाबा जी से मिलेंगे। बाबा जी सीताराम और सभी भाइयों को राम राम। तो बाबा अपने बारे में बताएं और बाबा जी इस मंदिर के बारे में भी बताएं। पहले मंदिर के बारे में बताएं। जी जैसे हमारे सिद्ध पुरुष है जी, तो 12 साल इन्हें तपस्या करी गंगा जी, तब इन्हें हाथ पाए कांपने करी, इसलिए कंपा बाबा मशहूर हुए। अच्छा, उनके जो हाथ कंपन करते हाँ, थे कंपन कर उसकी वजह से कंपा बाबा। कंपा बाबा के नाम हाँ, से ये और जन्म। ये फिर जब हाथ पाए ने काम नहीं करे, उम्र बहुत हुई गई, जी तो जिंदा समाधि ले गई, जिंदा अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जिंदा समाधि ली है। समाधि ले। थोड़ा इधर दिखाने की कोशिश करेंगे, वो जो वो मंदिर है। मंदिर है। हाँ भाई, मंदिर वो जिंदा समाधि थी। मैं उधर की साइड में आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, जो पेड़ों के पीछे है हाँ, उसमें क्या हुआ था बाबा जी, जिंदा समाधि, उन्होंने जिंदा समाधि जिंदा। ली है। तब जहाँ जी शेर रहता है, जानवर जंगल था, यहाँ अच्छा, जंगल था यहाँ पे, वहाँ पे शेर रहते थे। जी फिर फिर जहाँ मैं उन्होंने जिंदा समाधि ही ले ली, जिंदा आज उन्हीं समाधि के नाम से ये मशहूर मशहूर है। है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई भी अगर आता है और अपनी। सुनो बात सुनो, कोई आवतो यहाँ तो बाकी का बच्चा ना हो और भूल जाते हो, हमारे बच्चा हो तो ही जाते हो, मुकदमा कब लोगे तो मुकदमा छूट हाँ, जाता हम है। वही कह रहे हैं, जैसे कोई मनोकामना जिसकी हाँ, मांग जब वो पूर्ण के पूरी लेके आता है, पूरी होती वो है, उसकी पूरी होती कूड़ होती अब है। एक हाँ आओ हमारी जगह में, मांगो मथुरा जी जाट, तो जी आज जी दो कतर लगे, अच्छा जी माना आशीर्वाद मांगो, मंदिर दो छूट गए, दो अच्छा अच्छा तारीख अभी अच्छा अच्छा अच्छी बात है और ना। बाबा फिर ब्याह हुए हो। अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मान्यता है इस मंदिर बहुत की, बड़ी मान्यता। बहुत बड़ी मान्यता है। और हाँ ये आपको हम बाबा जी हाँ के मुख से सुनाएंगे कि बाबा जी कितने साल पुराना और कितना पुराना है मंदिर। मंदिर 200 साल पुराना, मंदिर ये 200 साल पुराना मंदिर है। और समाधि 200 साल पुरानी है। अच्छा, और ये हमारे कुछ गांव के लोग भी हैं, तो ये कुछ गांव के लोग भी बताएंगे। और बाबा अंकल जी से हम थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। अंकल जी अपने बारे में आप बताइए। हथौड़ा वन संतोष सिंह चौहान, जी, और कंपा मंदिर पे ही देवस्थान आप मतलब मंदिर का अपना यहाँ। देखभाल करते हैं और हाँ अपने जैसे हाँ दोपहरी वगैरह में अपना अपने आ जाते हैं मंदिर पे। हाँ मंदिर पे मतलब अपना दोपहरी में अपना टाइम वाम का स्पेंड करने के हाँ लिए बस बस कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत ना इसलिए। है। और आप अपना नाम भैया बताएंगे थोड़ा तेज करके। हम योगेंद्र सिंह हथौड़ा वन, और यह है अपने काम से घर से निपटे तो होने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, सर झुकाते हैं मंदिर पे। आश्रम है तो अच्छा भी वहीं लगता है, ये थोड़ा, ठंडी हवा वगैरह हाँ लेके यहाँ पे कोई ठंडी दिक्कत हवा नहीं भी होती लगती है। है, इधर उधर की बातों से अरे बचिए। चलो नहीं करना चाहेंगे हम, चाहेंगे अंदर इधर आ जाओ, कोई नहीं, आप या बाबा जी साथ में चलेंगे हम चलो लोग। ठीक है, क्या लेंगे? तो जैसे बाबा जी, बाबा जी यहाँ पे ये हम फील्ड देख रहे हैं, ये तो ये इसमें क्या क्या काम होता है, किस मतलब से इसमें ये है? जो तो ये यज्ञशाला के मतलब से है, मतलब यज्ञ यहाँ पे होता है, कथा होती है, अच्छा कथा के लिए है। केवल कथा हाँ, के और जैसे लिए। कथा का भी कोई प्रोग्राम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? अब यही कहा यहाँ पे कोई गुजिया फुलवारी लगा दे या मतलब मतलब सब्जी वगैरह फल वगैरह जो भी आप करना चाहें वो हाँ आप कुछ वो कर सकते हैं, हाँ इसमें ये नहीं है कि कथा कथा के बाद आप जो करना चाहें हाँ वो वो कर हो सकते हैं। जाता तो यहाँ पे कंपा यज्ञ, और यहाँ पे मेन जो आप बता रहे थे यज्ञ वगैरह का यज्ञ। प्रोग्राम जो होता है हाँ वो कहाँ पर है? कथा यहाँ पर होती है। यज्ञ अच्छा, कथा विशेष कथा यहाँ पे होगी, बोलो बोलो। कथा यहाँ पर होती है, जी यज्ञ यज्ञशाला विशेष है। इसके पीछे है, अच्छा, और देखिए ये सारी बाउंड्री चारों तरफ अच्छा, है ये इसके। कितनी बीघे में मतलब जगह में अब नाप अंदाज से तो क्या, अरे लगभग 10 बीघा के अंदाज हो करीब, जाए 2 एकड़ के करीब। 2 एकड़ के। तो हम चलिए चलते हैं, आपको यज्ञशाला दिखाते हैं, यहाँ पे यज्ञ होता है। ऐसे दिखा
तो हम आपको दिखाएंगे। देखो ये आप देख सकते हैं यज्ञशाला, ऐसी यज्ञशाला आपने कहीं नहीं देखी होगी जो यज्ञशाला आप इस छोटे से जिला कासगंज के एक छोटे से गांव में आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी यज्ञशाला आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अंग्रेजों के ज़माने का मतलब ये देवस्थान है। तो उसमें हम यज्ञशाला भी आपको दिखाएं। चलिए चलते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग भी हैं और बाबा जो हमारे यहाँ पर ये पुजारी जी हैं वो भी हैं संघ में, और आपको दिखाएंगे यहाँ पे यज्ञशाला। तो बाबा जी बता रहे हैं यहाँ पे एक रुद्राक्ष का भी पेड़ है। पेड़ आया है रुद्राक्ष पेड़, जिसकी माला वगैरह जैसे आप जो गले में डाले हुए हैं यही वाली रुद्राक्ष, इसका पेड़ यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी बता रहे हैं यहाँ पे ये रुद्राक्ष का पेड़ है जो हम अभी आपको हम पास से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पेड़ के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रुद्राक्ष का पेड़ है जो आप देख सकते हैं, जो चौमुखी रुद्राक्ष और कुछ कैसे कैसे होते हैं वो हम बाबा से पूछेंगे कैसे कैसे रुद्राक्ष होते हैं। और आपको पेड़ ये देख सकते हैं इस तरह का पेड़ होता है, और इस तरह के थोड़े कैमरा को हम जूम करके दिखाएंगे कि इस तरह का ये पत्ता आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन। यहाँ पे अभी शायद मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी रुद्राक्ष वगैरह आप देख सकते हैं नहीं है, और कुछ इसका टाइम रहता होगा कब आते हैं कब नहीं आते हैं। तो इस पे फल वगैरह जो फूल वगैरह रहते हैं वो हम बाबा जी से जानकारी लेंगे कब आते हैं कब नहीं आते हैं, और वो इतना हर जगह नहीं मिलता है पेड़, तो वो भी हमने के द्वारा आपको दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं हम इस यज्ञशाला के गेट पर आ चुके हैं, और गेट के अंदर आप देख सकते हैं हम आपको दिखाएंगे यज्ञशाला के गेट, और बाबा जी वगैरह और हमारे सभी साथ में हैं, और यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या कैसा कैसा होता है सारा कुछ। पहले दिखा दो यहाँ पे एक बार, तो बाबा जी बताएं। यहाँ पर रुद्र यज्ञ होता है 11 कुंडी को जी, और यहाँ 11 दिन होते 11 दिन को यज्ञ है। अच्छा, हाँ 11 दिन जैसे रुद्र यज्ञ है ना शंकर जी, हाँ वो होते हैं। अच्छा, हाँ तो थोड़ा हम बताएंगे आपको कि थोड़ा बाबा जी मतलब अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो हम अंकल जी से थोड़ा बताएंगे अंकल जी तो इसको कब होता है क्यों होते हैं यहाँ पे यज्ञ और कैसे कैसे कब कब होते हैं, तो वो अंकल जी हमें बताएंगे जी। इधर आ जाओ बाबा। माह के महीना में जो है संक्रांति से शुरू होता है यज्ञ, और 11 दिन यज्ञ होता है जी, और जो है 11 कुंडी हवन। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो 11 कुंड बने हैं, 11 कुंड में, हाँ सारे लोग इन पे आचार्य होंगे और जजमान वगैरह। अच्छा, और वो सारे लोग होंगे जी, हर यज्ञ में 4-5 आदमी रहता। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जब ये इसका कोई टाइम रहता होगा ना, जैसे कौन से महीने में, माह के महीने में, मतलब इंग्लिश में रहते हमारे जनवरी फरवरी दो महीने जो रहते हैं यहाँ पे यज्ञ का माहौल रहता है, यज्ञ मतलब यज्ञ होते हैं। हाँ, जनवरी फरवरी में यहाँ पे काफी भीड़ भी मिलती है, बहुत बहुत भीड़। अच्छा जी, 10,000-20,000 काफी भीड़ मिलती है, काफी भीड़ मिलती है, और यहाँ पे ही ये यज्ञ संपूर्ण होता है। हाँ, मनोकामना के लिए जो यज्ञ कहते हैं बोलते हैं उनका यहाँ पे, हाँ पूर्ण यज्ञ होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, और यहाँ पे अब हम आपको दिखाएंगे उधर कंपा बाबा की जो उन्होंने समाधि ली थी जिंदा पे। हाँ, समाधि ली हाँ, थी। ठीक ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंवला के भी पेड़ है, इधर आ जाओ चलो, तो इधर भी मेरे साथ आ जाओ, और इधर की साइड से दिखा दो भैया, और यहाँ पे काफी आंवला के पेड़ हैं, और गिनती में अंकल जी बता रहे हैं कि समथिंग 9 पेड़ के समथिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम चल रहे हैं अभी कंपा बाबा की जो समाधि है वहाँ पे, ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद के 10 पेड़ बता रहे हैं बाबा जी, और यहाँ पे ये बरी के हैं, नीब के पेड़ हैं, तो काफी पेड़ हैं यहाँ पे। 8 पेड़ अच्छा, 8 पेड़ आम के ही बता रहे हैं बाबा जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ वो हैं, आ जाओ कुछ कर लो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये जो कंपा बाबा की समाधि है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से दिखाएंगे। हाँ, तो ये मेन समाधि है जो इस मंदिर का मेन हिस्सा है, जो जिस प्रसिद्ध मंदिर है वो इन्हीं बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब चलिए हम बाबा जी से थोड़ी इस मंदिर की अब जानकारी अच्छे से लेंगे। तो ठीक, बताइए बाबा जी। हाँ, जो बाबा जी जो समाधि लगाई है तो 200 साल पहले लगाई है, और पहले ये गंगा जी में 12 साल तपस्या करी,
तो हाथ उन्होंने गंगा जी में 12 साल तपस्या की। हाँ, हाथ पांव कांपने करे जी, कांपने बाद में देखो कंपा बाबा के निकले। फिर ये जहाँ आए के इनने भजन करो खूब तपस्या करी, जहाँ आए के तपोभूमि है। अच्छा, तपोभूमि जो तपोभूमि है यहाँ कदम के पेड़ है ना बहुत, यहाँ कदम की पेड़ ये तो सावन तो यही सब था कदम के, कदम के पेड़, कदम 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 के पेड़ भी यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। हाँ, दस बार है, 12 पेड़ है कदम के। हाँ, बहुत बढ़िया है। और जय कंपावा समाधि लगाने के बाद में फिर एक और भी महात्मा रहे यहाँ। अच्छा, हाँ, अच्छी महात्मा आए जो सिद्ध पुरुष आए जी, जो कोई इनकी जहाँ आए के कत्तो मान्यता कत्तो बाकी सब काम मुकदमा छूट जाता हूँ। कहा अगर बच्चा ना तो बच्चा हो जाता हूँ सब काम से। कोई भी अगर आदमी या कोई भी लेडीज कैसे भी अपनी मनोकामना लेके सब पूरी होती है, वो यहाँ पे आप सब पूरी होती है, वो आपकी पूर्ण होगी, पूरी हो गई। नीचे था ज्यादा था काम हो जाता। एक मिनट, एक चलो चलो, हाँ आ जाओ ना, एक आप बता दो तो इधर लो, अब दिखा बताए। ये लोग कुछ आते हैं अपने ईंट उठा के रख जाते हैं, जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तब उठा के अपनी फिर वापस कर जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ इसीलिए मतलब नहीं कैसे जैसे ईंट को उठा के पहले ले जाएंगे, ईंट इन्होंने कहीं से उठाई यहाँ मंदिर में रखेंगे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ये तो ये हमारे पुजारी हैं, ये उठा के बाहर रखते हैं। अच्छा, और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तब दोबारा आते हैं मंदिर से ईंट बाहर निकालते हैं और फिर इस ईंट को बाहर रख देते हैं। हाँ हमारी मुकदमा में हमारी सबकी जमानत 18 दिन में गई, हमारी लड़की की वकील लग गई बाहर बार बार करा दी है। और जिन्हें नैमानी में भीतर कर दो 23 दिन के लिए, सुनो 23 दिन के लिए भीतर कर दो। फिर हम 22 दिन दूसरे दिन गए और कंपावा से कह गए हमारी हमारी बेइज्जती हुई तुम्हारी हुई, आज भी जमानत होती है तो ऐसा 22 दिन जमानत करा रहा है। अच्छा, बुद्धि खराब हुई गई बाकी। हाँ, यहाँ पे बाबा जी की कृपा है जो, हाँ वो अच्छे से होती है। सुनो मुकदमा गाल छुट्टी आता। अच्छा, फिर एक रामनिवास गोवर्धन बाबू, सुनो अपनी बात जो महाराम नगर आए राम, ठीक है जो यहाँ पर संत जी रहते हैं, इनका 1938 का जन्म है और जेई कारोबार यहाँ का संभालते हैं, देखभाल सारी जेई लोग करते हैं, जेई यहाँ पे मेहनत है। अच्छा अच्छा, और इनके साथ में और भी लोग आते हैं, वो भी देखते हैं। और अभी इस उम्र में जो है काफी अभी योग करते हैं, अभी दिखाएंगे इस उम्र में बाबा जी आपको अभी योग वगैरह दंड बैठक वगैरह भी दिखाएंगे। हाँ तो बाबा जी कुछ दंड बैठक वगैरह कसरत करके भी दिखाएंगे। हाँ काफी, तो देखो बाबा जी ने लगा लिया है शीर्षासन है बाबा जी, तो आप देख सकते हैं इस उम्र में अच्छे से अच्छे मतलब एक नया नहीं लगा पाएगा लड़का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी ने शीर्षासन लगा रखा है। तो अब बाबा जी क्या दिखाएंगे इसके बाद सब दिखाएंगे, देख सकते हैं आप ना कोई सपोर्ट है और ना ही कुछ और है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे से भी पीछे से भी। चलिए बाबा जी अब दूसरा कुछ और, जी अब कौन सा आसन है बाबा, चमकदार आवाज़ जय श्री राम जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी ने एक चमकादड़ की तरह जैसे होता है ना कि उल्टा उल्टा लटके जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है बाबा जी, इस उम्र में आपने इतना करके दिखाया। बाबा जी वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर पाए, तो अब एक और। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस उम्र में बाबा जी ये दंड बैठ के लगा रहे हैं, जो एक अच्छे खासे लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा जी,
ठीक है बाबा जी, बस इतना ही छोड़िए, वैसे तो बताते हैं बताते हैं तो बाबा जी ने बहुत सारी कसरत करके दिखाए, कुछ योग भी करके दिखाए, और बाबा जी बता रहे हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि योग तो इनके बहुत काफ़ी हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे ही मतलब दिन का टाइम हो गया है तो खाना पीना भी हो जाता है, और योग का एक टाइम होता है वो सुबह का टाइम होता है, तो उस टाइम में होना थोड़ा अच्छा लगता है और अच्छे से भी हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि बहुत सारे इनके योगासन भी हैं जो अभी अभी बहुत बाकी है, अभी बाकी तो अभी बहुत सारे हैं पर अभी हो नहीं पाए हैं, तो वो अगर हम अब अगली बार हम सुबह आएंगे और जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको योग दिखाने की कोशिश करेंगे, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सही भैया को राम राम जी, बाबा जी राम राम, ठीक।